प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में मौजूद अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में करीब 13,000 मदरसों को अवैध बताया गया है और एसआईटी ने इसे बंद करने की सिफारिश भी की है। जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए हैं उनमें से ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। मदरसों को लेकर एसआईटी का दावा है कि इन मदरसों का निर्माण एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और इन मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग मिलती थी। एसआईटी ने जब इन मदरसों से आय का ब्यौरा मांगा तो ज्यादातर मदरसों ने चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। दरअसल एसआईटी ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। इससे पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। उसके बाद आरोप लगाए गए थे कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। अवैध मदरसों पर योगी सरकार के क्रैकडाउन पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ২০২৪ चुनाव को लेकर चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच यूपी में अवैध मदरसों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। ১৩,০০০ मदरसों पर गाज गिरने की आशंका को लेकर यूपी से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। इन मदरसों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मदरसों के लिए भी इसी तरह की जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान में मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं, आतंक के केंद्र हैं। कई बार मदरसों में विस्फोट पाया गया है और अच्छी बात है कि सरकार ने जांच कराई और 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो कानून अपने काम करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। बीजेपी की तरफ से दूसरे राज्यों में मदरसों की जांच की आवाज उठी तो उत्तराखंड की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काजमी ने कहा कि यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई सही है, उत्तराखंड में भी अगर अनियमितता मदरसों में पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अगर ऐसी अनियमितताएं मिलती हैं और ऐसा हमें मालूम होता है कि कुछ मदरसे फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके स्रोत हमें नहीं मालूम होंगे, तो हम जाहिर है कि जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिन्होंने जो इस्लाम को और मोहम्मद साहब के पैगाम को जो बदनाम कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए मिलनी चाहिए कि ज्यादा इसलिए मिलनी चाहिए कि मैं समझता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब की वो पर्सनैलिटी है जिनका दुनिया एहतराम करती है। जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम पहले नंबर पर होता है और लिखने वाला मुसलमान नहीं है। पूरे देश में मदरसों की जांच की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल से तीखी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश है। जबरदस्ती ध्रुवीकरण की राजनीति हो रहे हैं और कुछ नहीं। इतने सालों से मद्रास से चल रहे हैं, कभी ये इल्जाम नहीं लगे हैं। अचानक ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मतलब माहौल को, चुनावी माहौल को गर्माए जा रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सही ढंग से बने और कुछ नहीं इसका मकसद। यूपी में अवैध मदरसों को लेकर सर्वे और कर्नाटक में मदरसों को आधुनिक बनाने का फैसला तय है कि 2024 से पहले मदरसे पर सियासत और तेज होने वाली। आज तक ब्यूरो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।